खनीधाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को सूचना मिली कि ग्राम कफार में रसीबहान लोधी अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी खाद का निर्माण कर रहा है, किसानों को नकली खाद की बिक्री कर रहा है। सूचना पर ग्राम कफार में रसीबहान लोधी के घर पर पुलिस ने दबिश दी तो रसीबहान लोधी पुलिस को देखकर छतों पर चढ़कर भाग खड़ा हुआ और उसके घर के अंदर आंगन में 50 कट्टे डीएपी इफको कंपनी प्रिंटेड, 10 कट्टे मोजक डीएपी, 70 कट्टे सफेद सादा बोरी भरी हुई संदिग्ध पदार्थ पकड़े गए, 60 कट्टे खाली और एक सिलाई मशीन मौके पर मिली है। आरोपी रसीबहान लोधी संदिग्ध कच्चा पदार्थ से नकली डीएपी खाद तैयार कर नकली डीएपी खाद की बोरियों का निर्माण कर रहा था और मौके पर ही बोरियों की सिलाई कर बिक्री हेतु तैयार कर रहा था। तब तत्काल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड खनियाधाना को मौके पर तलब किया गया तो मौके पर उर्वरक निरीक्षक राजेंद्र राजपूत और राजकुमार दुबे कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड खनियाधाना उपस्थित हुए। अवैध भरे हुए कट्टों से नमूना लिया गया और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। आरोपी रसीबहान लोधी द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से भंडारण और कालाबाजारी किया जाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाए जाने के बाद उक्त खाद के कट्टे, सिलाई मशीन और माल को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाएगी। भैया, आपके गृह निवास में एक अवैध खाद बनाने की फैक्ट्री पे कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? एक तो मेरा क्या है, गृह निवास तो है लेकिन मैं वर्तमान में बामोर कला में निवास कर रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारे गाँव में ऐसा ऐसा खाद नकली बनाया जा रहा है, तो मैं पहुंचा वहां पे, पूरा पुलिस फोर्स और खाद्यान्न विभाग का अमला सब लोग थे वहां पे, तो ये जानकारी मिली है कि मतलब खाद नकली बनाया जा रहा था और इस प्रकार की कार्रवाइयां होती रहें जिससे किसानों के लिए नुकसान ना हो। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पीआई साहब और प्रशासन के लिए जो ऐसे नकली खातों पर कार्रवाई करते हैं, करती रहे। क्या किसानों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा अगर इस तरह का खाद उपयोग में लाएंगे तो? बिल्कुल, किसानों से संपर्क टीआई साहब कर रहे हैं, जहां जहां किसानों ने लिया है तो उन लोगों को और गिरफ्त में लेंगे टीआई साहब। मैं भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो किसानों ने ले लिया है, रख लिया है, उनसे वापस आ जाए और इनसे पैसे दिलवाए जाए, इन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने दिया है। आज एक नकली खाद बनाने की मिनी फैक्ट्री पे कृषि विभाग और खनियाधाना पुलिस ने एक कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? ये घटना आज दिनांक 19/11/2024 को प्रातः 10 बजे पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कफार में दबिश दी गई। रसीबहान और पिताजी का नाम इनके दयाचंद लोधी के घर, तो वहाँ पर जाने पर उनके यहाँ पर 50 कट्टे डीएपी के और 10 कट्टे मोजेक और 60 कट्टे अपने बिना कंपनी के पाए गए हैं, तो सैंपल उनके भर लिए गए हैं और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच की रिजल्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस के खाद भंडारण के कारण उनके ऊपर कालाबाजारी की धारा 3/7 उपभोक्ता यह अधिनियम है अपना, आवश्यक वस्तु अधिनियम FCO की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। खाद बनाने में जो रॉ मटेरियल का उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में मिला है? वो कट्टे जो है वो जब्त कर लिए गए हैं अभी, जो मैंने जैसा आपको मैंने बताया 50 कट्टे डीएपी के इफको कंपनी के और 10 कट्टे मोजेक डीएपी 1846 और अपने 60 कट्टे बिना कंपनी के नाम के रॉ मटेरियल के तौर पे पाया गया है। कुछ आरोपी हाथ लगे हैं क्या? नहीं, जब तक वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं था, भक्त सारे वो जा चुके थे और कुछ वहाँ काम करने वाले जो वर्कर थे उनको जो है कि पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। आज एक अवैध खाद पे कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? आज सुबह जरिए मुझको सूचना प्राप्त हुई, ग्राम कफार में रसीबहान लोधी अपने मकान में भारी मात्रा में
अवैध रूप से डीएपी खाद का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी की खाद की बोरी भरी हुई पाई गई तथा रॉ मटेरियल जिससे वो खाद निर्माण कर रहे थे वो भी पाई गई। एक मशीन मिली है जिससे वो खाद की बोरियों को सिल रहे थे। कोई अलग अलग कंपनी की खाद निर्माण कर रहे थे? नहीं, कंपनी का जो डीएपी खाद होता है ना उसी के हुबहू नकल करके उसकी बोरियों में खाद पैक कर रहे थे। कोई आरोपी यहाँ पे नहीं? नहीं, आरोपी फरार हो गया है। जिसको घर मालिक था जो ऋषि लोधी था वो घर से फरार हो गया है। उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। तत्काल खाद विभाग को बुलाया गया और खाद विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। करीब कितना माल बरामद हुआ? 50 बोरी पैक की हुई बरामद हुई है डीएपी खाद की तथा 75 बोरी रॉ मटेरियल जो था जिससे खाद बना रहे थे वो बरामद हुई है। भारी मात्रा में जो बोरी पहले से खाली हुई है जो रॉ मटेरियल था वो भी बरामद हुई है और खाली बोरी जिसमें पैक कर रहे थे डीएपी खाद की थी वो बनी हुई जो कहीं से प्रिंट कराई गई है वो भी बरामद हुई है।